झारखंड के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में से एक गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने सरकार से ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई करने के लिए सरकार से नेटवर्क की मांग की है। स्वदेशवाणी के माध्यम से जब यहां न्यूज रिपोर्टिंग के लिए गए तो पता चला कि यहां के स्कूली छात्र छात्राओं ने आज तक एक भी दिन ऑनलाइन क्लास अपने स्कूल में नहीं कर पाए हैं। यहाँ के छात्रों ने बताया कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद उन्हें ऑनलाइन क्लास करने के लिए स्कूल में 3 किलोमीटर दूर जाकर नेटवर्क ढूंढकर क्लास करना पड़ रहा है, जिससे यहाँ के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ पूरे लॉकडाउन में यहाँ के छात्रों का पढ़ाई भी बर्बाद हुई है। छात्रों ने बताया कि सरकार से नेटवर्क की मांग इसलिए की है ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं का पढ़ाई लिखाई हो सके, साथ ही पूरे कुरुमगढ़ क्षेत्र का विकास हो सके। आपको बता दें कि आज तक यहाँ के लोग गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। यह क्षेत्र मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लोग आज भी विकास का इंतजार कर रहे हैं। ये क्षेत्र चारों ओर पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है। डिजिटल के इस युग में आज भी यहाँ के लोग डिजिटल की राह देख रहे हैं। अगर आप एक बार इस क्षेत्र में एंट्री करते हैं तो फिर आपका संपर्क डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है। बात यहाँ डिजिटल का है इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए हम लोग जो प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के बीच में ग्रुप बना हुआ है, साथ में पूरा शिक्षकों के बीच में क्लस्टर स्तर का भी ग्रुप बना हुआ है, जिला स्तर का भी ग्रुप बना हुआ है। तो हम लोग को जो भी राज्य स्तर से तो जिला स्तर से जो भी कंटेंट उपलब्ध कराई जाती थी उसको हम लोग शिक्षकों के बीच में सेंड करते थे टाइमली, और शिक्षक भी प्रयास करते थे कि मैंने जो ग्रुप शिक्षक विद्यालय स्तर के जो ग्रुप में एड हुए बच्चों को वो लोग भी सेंड करते थे। लेकिन यहाँ बात रहा कि शैडो जोन होने के कारण बच्चे उसे लाभान्वित मैंने नहीं के बराबर में लाभान्वित हो पा रहे थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो जागरूक थे वो अपना मैंने नेटवर्क चुन के मैंने पहाड़ी क्षेत्र में जाके पढ़ाई करते थे। जैसे आज हम भेजे कंटेंट उस कंटेंट को अगले दिन भी जाकर पढ़ लेते थे, इस तरह से मोटा मोटी बच्चा अध्ययन करते थे। इससे बहुत ही दिक्कत है। कितना परसेंट ऐसा बच्चा नेटवर्क में जाकर के पढ़ाई करके आपको जो रिसेंट करते थे? ऐसा तो मैंने 10% मान के चलिए 10%। तो लगभग मूल समस्या का क्या है सर? देखिए, यहाँ का मूल समस्या है नेटवर्क का। शैडो जोन होने के कारण यहाँ पर किसी तरह का माने संचार के माध्यम से बातचीत नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र के माने कोई भी मैसेज हम दिए तो उसको टीचर माने जब नेट क्षेत्र में जाएंगे तभी देख पाएंगे। तो पढ़ाई करने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है सुनने के लिए मिला है सर कि 3 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर माने तो वो लोग अपना खोजे हुए हैं तब जाकर के पढ़ाई होती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है उमेश्वर महतो, संकुल साधन से कुरुमगढ़। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर जाना पड़ता था, इसलिए पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो रहा था। टाइम मिलता तब पढ़ाई होता था, टाइम पर नहीं रहते तभी पढ़ाई नहीं हो रहा। कभी तो नेटवर्क भी नहीं रहता था, बस जाते थे। हम लोग यहाँ पर झारखंड शिक्षा परियोजना के तरफ से जो डीजी साथ कॉन्टेक्ट भेजा जाता है, फिर वो बीआरसी में भेजा जाता है, बीआरसी के बाद सीआरपी को भेजा जाता है, सीआरपी हम लोग को ऑन स्टेप वो भेजते हैं, फिर हम लोग बच्चों को उसको हम लोग शेयर करते हैं। कोई कोई बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वे लोग जाके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, नेट है या नहीं, फिर अपना खोल के देखते हैं। सच पूछा जाए तो यहाँ ऑनलाइन क्लास का काफ़ी प्रॉब्लम है, नेट नहीं रहने के कारण यही इसका मेन प्रॉब्लम है। यहाँ जमीन भी मिल रहा है उसके बावजूद नहीं लग रहा है कहते हैं। जमीन यहाँ पर तो चूँकि सरकारी जमीन है वैसे, और अगल बगल गैर मजूरवा जमीन भी है, नेट चलाने के लिए या तो यहाँ पर मैंने टावर लगाने के लिए लोग प्रयासरत है, लेकिन टावर यहाँ बहुत दिन से मांग भी किया जा रहा है लेकिन यहाँ टावर नहीं आ रहा है, नहीं बैठाया जा रहा है। इसमें आपको प्रशासन से और सरकार से क्या मांग? हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ जितना जल्दी मैंने क्या बोला जाता है कि मैंने इंटरनेट का मैंने सुविधा हो जाता है, टावर वगैरह लग जाता तो हम लोग का बच्चों का जो समस्या है शिक्षा की समस्या पढ़ने लिखने में सारा चीज वो भी सुलभ हो जाता है, क्योंकि आजकल सारा चीज कंटेंट जो है से नेट से ही माने चल रहा है, हमारे बच्चे भी उसमें अधिक आश्रित रहते और फायदा उसका उठाते। क्या नाम है आपका सर?
मैं देवेंद्र प्रसाद सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक कुरुंगल स्कूल में राजकीय बुनियादी विद्यालय कुरुंगल। तो बात सही है, कुरुंगल थाना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसे चैनपुर थाना से अलग करके ही बनाया गया था नक्सल गतिविधि को देखते हुए। यहाँ देखा जाए तो पूरे कुरुंगल एरिया थाना क्षेत्र के एरिया में कहीं भी एक भी टावर नहीं है। इसके लिए पहले वाले जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे इसके लिए कुछ किए थे, यहाँ जियो कंपनी के कर्मचारी लोग आए थे यहाँ एक टावर लगाने के लिए, यहाँ से माप लेके गए थे, फिर उसके बाद यहाँ कोई जियो वाला या और किसी कंपनी के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया। यहाँ के छात्र छात्राओं को भी अगर देखा जाए तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा था, इसमें यहाँ के छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अगर कुरुंगल क्षेत्र का विकास होना हो तो यहाँ नेटवर्क जिस भी कंपनी का हो लगाना अति आवश्यक है। दूसरा बात, यहाँ थाना के कार्यों में भी देखा जाए तो यहाँ सही से समय पर सटीक आसूचना नहीं मिल पाता, जिससे अगर आपको किसी तरह का सूचना देना होता तो कैसे करते हैं? अगर हमें किसी प्रकार को सूचना देना पड़ता है तो कभी कभी हमको यहाँ से दूर तिगाबल जो कि चैनपुर क्षेत्र में पड़ता है वहाँ भी जाना पड़ता है, जो कि काफी कठिनाई है यहाँ। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि अपने विभाग के वरीय पदाधिकारी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस कार्य को करने के लिए कार्य कर तभी इस क्षेत्र के जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ, मैं अभी वर्तमान में कुरुंगल थाना प्रभारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।